हाँ, मेरा नाम वरुण है, वरुण भास्कर। मैं हमारा लीड प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर हूँ दिल्ली में। मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि एक टीवी पेशेंट का है। उसको कैसे हम लोगों ने टीवी का ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए हमारे फील्ड ऑफिसर ने कितनी फाइट करी, मतलब इवन कि उसकी फैमिली से ही फाइट करना पड़ा उसको टेस्ट कराने के लिए, उसके ट्रीटमेंट में उसको ठीक करने के लिए हमारे फील्ड ऑफिसर को बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो उनका बैकग्राउंड एक्चुअली वो सब्जी बेचने का काम करते हैं, बहुत छोटा सा काम है उनका और बहुत छोटे से घर में भी रहते हैं। तो हमारे जो फील्ड ऑफिसर रेगुलर बेसिस पे अपने एरियाज़ में स्क्रीनिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, मतलब हम एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं, मतलब टीवी के मरीजों को ढूंढते हैं। उनको टीवी है लेकिन उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि उनको सिम्टम्स के बारे में मालूम नहीं है, उनको सब नेचुरल लगता है। अगर उनको भूख नहीं लगती तो कहते कि हमें भूख नहीं लगती, नेचुरल है, हमारा वेट बढ़ता ही नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, हमें तो खांसी आती है, बस ऐसे ही हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में उनको पता ही नहीं है, जो कि हमारी टीम हमारा की टीम इनको जानकारी देती है। हमारा काम है लोगों को जानकारी देना और उनको ये सिर्फ उन तक ही ये जानकारी ना पहुँचे, उनके परिवार तक पहुँचे। वो इतने अच्छे से समझे चीज़ों को कि कभी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो उसको गाइड कर सके, उसको बता सके कि आप जाइए यहाँ पर, आप यहाँ बलगम की जांच कराइए, आप ये डॉट सेंटर है, डॉट सेंटर में इसका इलाज होता है, ना कि जनरल हेल्थ सर्विसेज में। डॉट के लिए टीबी का अलग ही डिपार्टमेंट होता है, जो वहाँ पर ये अपना जांच करा सकते हैं, और जिसमें सिंपल दो तीन दो जांचें होती हैं नॉर्मली, बलगम की जांच और एक्सरे, जिससे टीबी के बैक्टीरिया के बारे में पता लगता है। इनकी फैमिली में कौन कौन थे, कहाँ रहते हैं? ये दिल्ली में मुकेश नगर है, शाहदरा एक जगह है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, और इनकी फैमिली में इनके हस्बैंड हैं और ये है, दोनों का सब्जियों का काम है, सब्जी बेचने का काम है, ये सब्जियाँ धोती हैं, उनके हस्बैंड उसको पुल क्या बोलते हैं उसको ठेले में रख कर बेचने जा रहे हैं। जब हमारी फील्ड ऑफिसर वहाँ गई तो उन्होंने उस सिचुएशन को देखा और उनको उसका वेट भी काफ़ी कम था, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व भी कर रहे थे कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं। तो हम उससे डायरेक्टली भी कई बार बात करते हैं कि आपकी ये तबीयत ख़राब है, आपने कभी कोई टेस्ट कराया? तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, अरे हम लोग काम करें या डॉक्टर के पास जाए। उसके हस्बैंड ने ये जवाब दिया, उनको परेशानी क्या थी, खांसी आ रही थी? हाँ, खांसी आ रही थी। तो उन्होंने कोशिश करी बात करने की, लेकिन उन्होंने किसी तरह भी इनको बात करने नहीं दिया, उस लेडीज़ को तो करने नहीं दिया, और खुद भी बड़े रूडली तरीके से हमारे फील्ड ऑफिसर जो कि एक लेडी है ममता मामसिंह का, तो उनको बहुत बुरी तरह से धुतकारा, एक तरह से कहा जाए कि जाइए आप लोग यहाँ से मत, यहाँ मत आइए और हमें मत परेशान करिए, हमें काम काज करना, हमें नौकरी करनी, हमें मजदूरी करनी। तो हमारे फील्ड ऑफिसर को बुरा तो लगा, लेकिन उसको ये था कि कोई भी उसके हाथों से बचना नहीं चाहिए, और ख़ासकर टीबी जैसा पेशेंट जो कि स्प्रेड करता है 20 से 25 लोगों को ये बीमारी फैला सकता है। तो किसी तरह वो उस दिन तो चली आई, लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर गई और उसने कोशिश करी के बात करने की कि आप ऐसे ऐसे करिए, आपका एक जाँच होगा, हम करवा देते हैं, आपका एक्सरे करवा देते हैं। फिर वही उनका बेहद था कि जाइए यहाँ से चले जाइए, और जो महिला थी महिला से वो बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन महिला से वो बात करने ही नहीं देते, बीच में ही वो बोलते थे और अजीब तरीके से बिहेव करते थे। तो हमारी जो फील्ड ऑफिसर थी वो थोड़ा साइड में ही उसके पड़ोस में जाके थोड़ा उसके बारे में बात किया कि लेडीज़ कैसी है और किस तरह तबीयत खराब है, कब से है, जानकारी लेने की कोशिश की। तो उन्होंने उसको बताया कि काफ़ी दिनों से ऐसी खांसी हो रही है, उसको ब्लड भी आता है, वो काफ़ी कमज़ोर है, चल नहीं पाती है, उसका वेट भी काफ़ी डाउन है। तो इससे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि नहीं, उसको तो बहुत ज़रूरी है जांच वगैरह कराने का। इसी तरह एक दिन निकल गया, दूसरे दिन वो फिर दोबारा गई और इस बार उसने उनसे फिर कहा कि आप इसको जाँच करवाइए। उनका व्यवहार वैसे ही था,
तो उन्होंने छूते उसको डांटा जो उसका हस्बैंड का। इस बार हमारे फील्ड ऑफिसर थोड़ा गुस्सा हो गई कि अगर आपने उनका जांच नहीं कराया मैं आपको कंप्लेन कर दूंगी, आपकी कंप्लेन कर दूंगी कि आपने ऐसे ऐसे हमसे बिहेव कर रहे हो और इनका इलाज की जरूरत है, इनको इलाज नहीं देने के लिए कर। इससे वो आदमी थोड़ा डर गया कि पता नहीं है क्या कंप्लेन कर देगी कहाँ कर देगी। तो उसने फिर कहा ये देखिए हम जाने के लिए तो तैयार हैं लेकिन आप लोग आते हो और चले जाते हो फिर हमको छोड़ देते हो ऐसी हालत में। मतलब सिस्टम के प्रति उसको एक नफरत सी एक तरह से हो गई जो कि कई बार हुआ है लोगों ने करा होगा। तो उसको बहुत बड़ा बुरा मतलब इस तरह से बोला कि आप लोग आते हो और आप लोग इस तरह टेस्ट करने आते हो, आप लोग अपना सैंपल ले जाते हो, सब कुछ करते हो। सैंपल का वर्ड तो यूज़ नहीं किया लेकिन उसने कुछ इस तरह का ही कहा कि आप लोग आते हो और करते हो लेकिन हमें कुछ छोड़ देते हो, हम फिर वही वहीं के वहीं हो जाते हैं तो हमारे को कोई मदद नहीं करते। फिर हम तो ये सुनकर हमारे फील्ड ऑफिसर ने उसको समझाने की कोशिश करी कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, हम पूरी इलाज के लिए आपको मदद करेंगे, इवन कि आपको इसके बारे में जानकारी देंगे जिससे आप आगे भी भविष्य में इसके आप खुद भी अपने पैरों पर खड़े होकर इलाज करा सकें। किसी तरह वो राजी हुई और उसको वो ले गई अपने साथ और उसका सैंपल स्पूटम कराया गया। कहाँ पे करना है? ये शारदा चेस्ट क्लिनिक में। अच्छा, तो वहाँ पर सैंपल उसका स्पूटम देने के बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट नेगेटिव था। अच्छा, तो ये माइक्रोस्कोपी से हुआ था? हाँ, माइक्रोस्कोपी से। अच्छा, तो वो नेगेटिव था रिपोर्ट। लेकिन हमारा दूसरा एक प्रोसीजर भी है कि हम जिसका भी पॉजिटिव मिलता है उसका एक्सरे भी हम कराते हैं। वो एक्सरे हमने कराया जो कि हम ही पे करते हैं, हमारा पे करते हैं उसको। वो एक्सरे कराने के बाद वो रिपोर्ट हमने दी तो उसमें उसके लंग्स डैमेज हो चुके थे, दोनों के दोनों लंग्स डैमेज हैं उसके। तो इस कंडीशन में डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है। तो हमारे फील्ड ऑफिसर ने डॉक्टर से भी यही कहा कि उसके हस्बैंड इस तरह बहुत बिहेव करते हैं, आप उनको थोड़ा समझाइए। तो डॉक्टर ने दोनों को बुलाया और बहुत अच्छे से समझाया। समझाने से उसके हस्बैंड को भी थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं ये इलाज जरूरी है, क्योंकि हमारे फील्ड ऑफिसर ने कहा था कि अगर ये वही बीमारी हुई तो आप लोगों को भी हो जाएगा और पूरी फैमिली को हो जाएगा या अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी हो जाएगा, तो आप इसका जांच करें। तो डॉक्टर ने भी उनको यही जांच करा, उनको यही समझाया कि आप लोग इसको पूरी तरह से करवाइए, इलाज करें, दवाई खाएं, खाना ठीक से खाएं, इस तरह सारी चीज़ें बताई गई। और कोई दिक्कत परेशानी हो, दवाई शुरू जब करते हैं स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो आप उसको हमारे पास आइए, जिससे हम लोग दवाई आप डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, दवाई आपको लगातार खानी है। दवाई खाकर आप पेशेंट हमारा ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है। ये कब की बात है? ये रिसेंट इसका अभी उनको 3 दिन के गैप में दिया जाता है, मतलब 1 दिन आने पर 3 दिन 2 दिन की दवाई दी जाती है, 2 दिन की जैसे उनकी अवेलेबिलिटी है मेडिसिन मेडिसिन की भी प्रॉब्लम होती है बीएमसी वगैरह ना, तो इस तरह उनकी दवाई चल रही है। आज वो बहुत अच्छे हैं, फैमिली के लोग भी, उसके हस्बैंड का भी बिहेवियर चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से बात करते हैं हमारे फील्ड ऑफिसर से। वो ट्रस्ट आपने बिल्ड किया है जिसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ गया और हमारे जो फील्ड ऑफिसर है उसका ये भी जो भी हम लोग ट्रीटमेंट में ना पाए। और हस्बैंड ने भी अपना फिर टेस्ट कराया? हाँ, वो बाकी का फर्दर वो उनका जो भी प्रोसीजर है अभी हम फैमिली का भी करते हैं, लेकिन अभी मैंने पेशेंट के बारे में ही इसके बारे में बताया। हस्बैंड के बारे में मैंने पूछा नहीं, कोई स्टोरी आई थी मेरे पास, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया था, जैसे होना चाहिए था। तो अगर आप इसके ऊपर अगर और कुछ आप पूछिए तो मैं इसको पूरा कर दूँगा, क्योंकि इसमें मैं एक ही चीज़ कंक्लूजन देखता हूँ कि इसमें जो हमारे फील्ड ऑफिसर की जीत थी, फैमिली के अगेंस्ट लड़ना, उन लोग सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। कई बार लोग
इसी कारण रुक जाते हैं कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, या वो हमारी फील्ड अफसर वो डर जाती हैं कि भाई ये मेरे साथ इसका बिहेव गलत है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, हमें स्ट्रॉन्ग होकर खड़े होना होता है, क्योंकि ये समझना आज के डेट में मुश्किल है। एक छोटी सी चीज़ जैसे खांसी आ रही है, बर्दम आ रहा है, या जो भी चीज़ उनके लिए आम हो गया, और एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना विदाउट हमने देखा है पूरा पूरा दिन लग जाता है। हम खुद कई बार प्रॉब्लम होती है तो हम लोग नहीं जाते क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ जाके इतना टाइम हो जाएगा, हमारा हड्डी खराब हो जाएगा, या हमारे आज ऑफिस में रिव्यू मीटिंग है, या वो है वो है, उसके लिए हम लोग नहीं जा पाते। तो ये सिचुएशन उनके साथ तो और भी बुरी हालत है, क्योंकि उनको अगर वो एक दिन काम नहीं करेंगे, एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलेगा, तो उनका हमको खाना नहीं बनेगा। ये भी सिचुएशन है, बहुत सारी सिचुएशन है जिसको उनको हेल्प मिले, उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, और हमारा कोलैबोरेशन डॉक्टर्स और डीएमसीज वगैरह में बहुत अच्छा हमने किया है, क्योंकि हमने बताया है कि ये इग्नोरेंस इग्नोर पीपल्स हैं, इनको तो दुनिया ने छोड़ दिया है, अगर हम भी मदद नहीं करेंगे तो उनको कौन करेगा। आपकी लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स मैसेज, आपका काम क्यों ज़रूरी है एनटीबी के लिए, आप जो भी फाइनल थॉट्स हों। जी एक्चुअली मैं टीबी पे काम कर रहा था, मैं 2016-17 से काम कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पहले एक डॉट्स में काम करता था, थोड़ा सा डिटेल में हो जाए तो डॉट्स प्रोवाइड करने का काम था, जैसे बहुत अच्छा लगता है बात करना। सबसे पहले मेरे को अच्छा लगता है अगर किसी को उसके अच्छे होने के लिए थोड़ा मोटिवेट करा जाए, और वो मोटिवेशन से वो ठीक हो जाता है, तो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर पा रहा लेकिन मैं उसको समझा पा रहा और उसको उसके भविष्य के बारे में बता पा रहा, तो मेरे को अच्छा लगता है काम करना। और जब वो ठीक होते हैं और ट्रीटमेंट होता है, बल्कि ऐसे ऐसे सिचुएशन मैंने देखी है कि जो माँ कहती थी कि मेरा बच्चा तो ड्रग्स लेता है, वो तो मेरी सुनता नहीं है, आज वो बेटा अपने माँ के लिए काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इवन कि ऐसी ऐसी फैमिली मैंने देखी है कि हस्बैंड के घर में टीबी हो गया, उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं लड़की को रखूँगा नहीं अपने पास, लेकिन हमने उसको इलाज करके उसके हस्बैंड को भी समझाया कि कभी अगर ऐसा आपके साथ हो जाए या आपकी बहन के साथ तो आप क्या करेंगे, तो फैमिली एक हो गई। तो मुझे लगता है कि मेरे कहने से अगर किसी का अच्छा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसको ठीक है, शुक्रिया।